बन गई आपकी टोकरियां साईं। अब मुझे ओदी देंगे ना साईं? ये लीजिए। शुक्रिया साईं। रुको। जी साईं। ये एक टोकरी मेरी तरफ से रख लीजिए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। और ये कचरा इसे रास्ते में किसी उचित स्थान पर फेंक दीजिएगा। जी। चलते हूँ साईं। बाबा, आप इन बीजों को छुपा क्यों रहे हो? ताकि किसी को ये पता ना चले कि इस साल हम अपने खेत में क्या बो रहे हैं। और हाँ, तुम्हें भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या भाई, तुमने तो पहले से बीज लगाना चालू कर दिया। नहीं भाई, अभी कहाँ, मैं तो इसी उधेड़ बुन में हूँ कि इस साल फसल में क्या लगाओ। तुम क्या लगा रहे हो इस साल? अगर मैंने इसे बता दिया तो कहीं ये भी उसी के बीज ना खरीद के ले आए। मैं भी भाई तुम्हारी तरह बस यही सोच रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे भी खेत में बहुत काम है। हाँ देखा नंदलाल,
एक वक्त था जब ये सब एकजुट होकर खड़े रहते थे, और आज सब अलग अलग है। खाओ। और सब बढ़िया जी? नमस्ते। नमस्ते जी, ठीक हूँ। क्या बोने वाले हो? किसी को बताइएगा नहीं? आप ठीक थे साहब, इन लोगों ने एक दूसरे से बातें छुपानी शुरू कर दी है। नंदलाल, मैंने इन सब के मन में जो लालच का बीज बोया था, आज उसी बीज की बदौलत ये नफरत की फसल लहला रही है। आओ। कौन सी फसल लगा रहे हो? बाजरा नहीं, ज्वार। तुम कौन? मैं इनका छोटा भाई हूं। एक कहता है ज्वार, एक कहता है बाजरा, कौन सी फसल बो रहे हो भाई? खेत किसका है तुम्हारा? ये खेत मेरा है और यहां मैं अकेले काम करता हूं, और यहां मैं बाजरा लगाऊंगा। ठीक है, आओ नंदा। लेकिन भाईजान, हमने तो सोचा था कि आप ज्वार की खेती करने वाले हैं। देखो सलीम, मैं सालों से खेती करता आ रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे बेहतर जानता हूं कि यहां क्या करना जरूरी है, तो वो मैं कर लूंगा। तुम जाओ और रजाई के कारोबार में अपना ध्यान दो। लेकिन भाईजान आप, मैंने कहा ना तुम जाओ, मुझे यहां बहुत काम है, और मुझे भी मालूम है कि तुम भी बहुत मसरूफ हो। आज भाईजान को हो क्या गया है? ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जल्दी से बाजार जाके साईं की दी हुई उदी गाड़ी वाले को देनी होगी, ताकि ये उदी मेरे मायके वाले को वो पहुंचा दे। ये टोकरी अचानक से भारी कैसे हो रही है? मेरे तो हाथ दर्द होने लगे। बंदे हैं हम साथ, आपको उदी जरूर दूंगा, पर क्या आप ये टोकरियां बनाने में मेरी मदद करेंगी? उसके सबका मालिक है। और ये कचरा रास्ते में कहीं किनारे रख दीजिएगा। सबूरी रख कर काम किए जाने, कोई भी राह, कोई भी सफर, कोई भी राह, कोई भी सफर, उस तक पहुंचे हर एक डगर, राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी, एक नजर रहम। राम राम आई बस। क्या बो रहे हो अपने खेतों में? मक्का, शहर से उन्नत बीज लाया हूं। इसने तो कहा था कि अभी ये सोच रहा है, झूठ कह रहा था मुझसे। अच्छा, या तुम क्या बो रहे हो? अभी तक तो बीज नहीं लाया, पर मक्का ही बोऊंगा। दोनों के खेत अगल बगल में, और दोनों ही मक्का बोओगे? तुम क्यों मेरी देखा देखी कर रहे हो धनीराम?
तूने तो कभी मक्का नहीं बोया अपने खेत में, इस साल क्यों बो रहा है? हाँ, क्योंकि वो मेरा खेत है, मेरी मर्जी, मुझे जो लगाना होगा मैं लगाऊंगा। और वैसे तू कह रहा था कि अभी तक तूने कुछ सोचा नहीं है, तो तू मुझे कुछ नहीं कह सकता? तुझे जो उगाना है उगा जा। ए चंदू, मजदूरों को भेज, मेरे खेतों में काम करने का समय हो गया है। चलो आओ, मेरे खेतों में काम करना शुरू करो। ऐसे कैसे शुरू करो? आधे दिन की मजदूरी दी है इन सबको मैंने, और अभी आधा दिन हुआ नहीं है, इसलिए ये सब लोग मेरे साथ ही काम करेंगे। खेतों में काम करा के भी क्या हासिल होगा तुझे? मेरे पास तो बीज खरीदी करने के लिए भी पैसे नहीं है। हाँ, मेरा समय बर्बाद मत कर, मैंने भी मजदूरों को पैसे दिए, चुपचाप उनको मेरे खेतों में भेज दे, समझा? हाँ, मैं भी देखता हूँ तू उनको कैसे नहीं आने देता मेरे खेतों में। तुम तो या मेरे पैसे लौटाओ, नहीं तो मेरे खेतों में काम करना शुरू कर दो। खबरदार, जो जबरदस्ती मेरे खेत में घुसने की कोशिश की। चल भाग यहाँ से, मुझे धक्का देता है। अरे ये तो आपस में लड़ पड़े, बहुत बुरी बात है। देर से आने वाले थे, अच्छा किया जल्दी आ गए। पता है आज मैंने पुलाव बनाया है, सुल्तान भाईजान को बहुत पसंद है ना, उन्हें दे आइएगा। ये लीजिए। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साई, आपकी बदौलत सालों बाद ऐसे ही, लेकिन मेरे माता पिता और भाई बहनों को ये पता चलेगा कि उन्हें भोली नहीं हूं मैं। राम जी भला करे। अचानक वो आपसे इतना गुस्सा क्यों हो गए? ये पूछना चाहिए था आपको उनसे। कल तक तो बहुत जोर डाल रहे थे कि दोनों भाई साथ चलकर ही बीज खरीदेंगे, फिर आज अचानक आपको खेते से हटा दिया। आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया आपसे? हाँ, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं रेहाना, वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई वालिद की तरह होता है। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जो हुआ उसकी असल वजह हमें मालूम होनी चाहिए? ये कोई मामूली बात नहीं है। सुल्तान भाईजान ने आपको मुश्तैनी पेशे से हटा दिया है, खेती से हटा दिया है। अगर इस मन मोटाव की असली वजह आपको मालूम नहीं होगी तो ये बात हम सबको अंदर ही अंदर खाती जाएगी।
न जाने क्या गलत फहमी हो गई आप दोनों भाइयों के बीच। खुदा ना खास्ता कहीं ये गलत फहमी हमारे बच्चों के बीच आ गई तो। आप दोनों में खून का रिश्ता है, दोनों भाई भाई हैं। सुल्तान भाई जान वो तो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, फिर भी ये सब हुआ। इसकी इसकी कोई ना कोई ठोस वजह जरूर रही होगी। देखिए अगर कोई गलत फहमी हो गई है तो हमें उसे दूर करना चाहिए, उसे मिटाना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांग लेंगे उनसे, उसे सुधार लेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो रियाना, चलकर उनसे मिलते हैं। बिल्कुल सही फैसला लिया आपने, मैं पुलाव ले लेती हूँ। क्या है ना, पेट भरा रहेगा तो बात भी सुकून से होगी। मानना पड़ेगा, गजब की पसंद है दादा की। बस एक को छोड़ के। वैसे वहीनी, जब तुम्हारे मायके से एक भी भेंट या उपहार नहीं आता है तो बुरा तो लगता होगा ना तुम्हें, है ना? वैसे वहीनी, अधिक मास में गरीब से गरीब इंसान भी अपनी बेटी को उपहार भेजता है। अब इतने भी गरीब नहीं है तुम्हारे मायके वाले, नहीं? क्या सच में वहीनी इतने सालों में दादा के ससुराल से एक भी भेंट नहीं आई है? बड़े भी निर्लज है सबके सब। और वहीनी, वो तुम्हारा भाई, छोटा भाई, वो तो काफी बड़ा हो गया होगा अभी। अरे उसकी तो शादी भी हो गई होगी। वैसे कितने साल हुए उसे देखे हुए? मजदूर किसके खेत में पहले काम करेंगे, इस बात को लेकर लड़ाई हो रही है। यह सब उस प्रतियोगिता की वजह से हो रहा है। साई साई, साई साई, आप ये काम क्यों कर रहे हो? इसे छोड़ दीजिए साई। क्यों छोड़ दूं? अगर लड़ाई मजदूरों से काम कराने के लिए है तो मैं एक मजदूर बनने के लिए तैयार हूं। बताइए बताइए, क्या काम करना है मुझे? मैं दिन रात काम करूंगा, खेत की जुताई से लेकर बुआई तक, बुआई से लेकर निकाई तक, खाद पानी सब कुछ करूंगा मैं। लेकिन आप लोग झगड़ा करना बंद कर दीजिए। साई, हम समझ गए आप कहना क्या चाहते हैं। साई, हम लोग नहीं लड़ेंगे, लेकिन साई आप ये कुदल चलाना छोड़ दीजिए। हाँ साई, कृपा करके आप ये काम छोड़ दीजिए। आपको ऐसे काम करते हुए देख हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है साई, आप ये काम करना छोड़ दीजिए साई। और जब आप सब लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे
तो अच्छा लग रहा था। क्या हो गया है आप सबको? इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ रहे हैं आपस में? आप सब किसान हैं, सरल हृदय के लोग हैं आप लोग, इसलिए आपको बहका देना, आपका शोषण करना आसान होता है। पर आपकी सुरक्षा आपकी एकता में है, ये बात कैसे भूल सकते हैं आप लोग? कहां गया शिरडी वासियों का आपसे प्यार, आपसे सम्मान? साई, 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 पाटिल जी ने आपके लिए खबर भेजी, सलीम और सुल्तान के बीच लड़ाई हो रही है। साई, साई जल्दी चलिए, संतराम और काशीबाहू के बीच लड़ाई हो गई है। खेलने जाओ। बेटा, तुम्हारे पिताजी को आ जाने दो, उनसे पूछ कर चले जाना। माँ, मैं घर में रहकर ऊब गया हूँ, अंदर बैठे बैठे घुटन सी होती है, और आप भी अपने कामों में व्यस्त रहती है। पिताजी के लौटने तक बताइए मैं क्या करूँ। वही नहीं, केशव, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। आपके साथ? आप लोगों को खेलना आता है? अरे केशव, रुको। सरकार की सेवा में आने से पहले हम लोगों के पास एक ही तो काम था, दिन भर खेलना कूदना और उधम मचाना। खेलने के सिवा हमने किया ही क्या है? अगर ऐसी बात है तो फिर चलिए खेलते। पर खेले क्या, आंख में चावली खेले? नहीं नहीं, उसके लिए तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, और इतनी गर्मी में तो मेरे पसीने छूट जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम घर के अंदर ही कुछ खेलते हैं। क्या खेलें? हाँ, कौवा उड़ चिड़िया उड़ खेलते हैं। हाँ, ये ठीक कहा अंता जी। चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, बकरी उड़, कौवा उड़। आप धीरे धीरे सोच सोच कर बोल रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, मेरे पास जितने नाम थे मैंने बोल दिए, अब किसका नाम लूं? फिर ठीक है, मैं बोलता हूँ, चिड़िया उड़। मेरे तो इसमें भी पसीने छूट रहे हैं बंता जी। कौवा उड़, मैना उड़, चप्पल उड़। अरे अंता जी, आप तो हार गए, चप्पल क्या उड़ने वाली चीज है? बंता जी, उड़ती है चप्पल, मैं सच कह रहा हूँ। हार गए तो बहाना मत बनाइए। नहीं नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। एक बार सरकार ने हमें चप्पल फेंक के मारी थी, है ना बंता जी, याद है ना? वो चप्पल हमारी तरफ उड़ती हुई आई थी। भाईजान, भाईजान मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे मुझे एक और लफ्ज नहीं सुनना, क्योंकि तुम झूठ के सिवा कुछ और नहीं बोलोगे। झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला है आपसे? तुमने नहीं कहा कि तुम्हारा धंधा मंदा चल रहा है, जबकि तुमने एक नहीं 20 कंबल बेचे हैं। हाँ भाईजान, लेकिन आप भी। अरे लेकिन लेकिन छोड़ो, और खबरदार जो अपनी इस फरेबी जुबान से मुझे भाईजान कहा तो। आप सुल्तान भाईजान ये क्या कह रहे हैं? आप रोकिए उन्हें। मैं क्यों रोकूं? और वो गलत क्या कह रहे हैं? देखिए ना, दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा रुक ही नहीं रहा। लेकिन ये लड़ किस बात पर रहे हैं? सुल्तान भाई हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि कंबल के कारोबार का सारा मुनाफा
हमने उनसे छुपा लिया है, जबकि आप अच्छे से जानती हैं ना बाईजा अक्का कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। पाटिल जी आप ही कुछ समझाइए ना। सुल्तान सलीम की पूरी बात तो सुन लो, वो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाएगा, उसे बोलने तो दो। पाटिल जी देखिए हमारे घर का मामला है, आप खुदारा इससे दूर ही रहें तो बेहतर है। ठीक है ये हमारे घर का मामला है ना, तो आप भी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। असलम के निकाह के लिए जितने फिक्रमंद आप हैं उतना मैं भी हूँ, अगर नहीं होता ना तो उस दिन आपको पैसे नहीं देता। ओ, अपने बड़े भाई को पैसे देकर एहसान जता रहे हो तुम हा? असलम के निकाह के लिए तुमने पैसे दिए थे ना? भाभी जान आप समझाइए ना भाई जान को। ये ले अपने पैसे, नहीं चाहिए तेरी खैरात मुझे। भाईजान ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, और तुम लोग जो चालाकी कर रहे हो हमारे साथ क्या वो ठीक है? हमने कुछ गलत नहीं किया है आपा। कैसे खड़े खड़े झूठ बोल रहे हैं दोनों मियां बीबी, अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भाईजान आपको जो कहना मुझसे कहिए, लेकिन खुदा के लिए मेरी बीवी के साथ बदतमीजी से पेश मत आइए। ओ बुरा लग रहा है तो फिर क्यों खड़े हो तुम दोनों यहाँ पे? मैंने बुलाया था तुम दोनों को यहाँ पे, झूठे मक्कार, दफा हो जाओ यहाँ से। रिश्तों के महत्व को समझो, कद्र करो इनकी, इनके सुख इनके प्यार इनकी एकता को देखो, क्योंकि एकता एकजुटता और भाईचारा ही जिंदगी में सही मायनों में खुशियां लाते हैं। खुदा के लिए आप लोग लड़ाई बंद कीजिए, ये घर है अखाड़ा नहीं। और चाचा जान आप असलम मेरे बेटे पे हाथ उठाया तूने, तेरी इतनी जुर्रत, दफा हो जा यहां से, निकल। अब्बा, अब्बा। दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। बहुत बेवकूफ बना आप दोनों ने हमें, अब और नहीं। साईं अब तक क्यों नहीं आया? उसे बुलावा भेजा था, कहां रह गया वो? ये सब शिरडी में क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं? हाथ को जानबूझकर खराब किया तूने? अरे तूने ही किया है, अरे तूने किया है, अरे तूने ही किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बीज मेरा है। पर तुमसे पहले मैंने खरीदा है, मेरे से मंगवाया तो मैंने था। पर नहीं दूंगा तो ये बीज मेरा है ना, तुमने गिरा दिया। ये क्या करे तुम लोगों ने, तुमने मेरे घर से बीज गिराया मेरा। देखो इस बैल से पहले मैं जुताई करूंगा। मैंने कहा ना मैं जुताई करूंगा, पहले मैं करूंगा। अरे मैंने कहा ना, पहले मैं करूंगा। क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हो?
पहले खाना मैं करूंगा, जुताई करूंगा। मैंने बताया तुझे, पहले मैं जुताई करूंगा। मैंने बताया ना तुझे। नहीं, पहले मैं करूंगा। इस फाइल से पहले मैं जुताई। नहीं नहीं, मैं करूंगा पहले। मैंने कहा ना साई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब उस 1000 रुपए के चक्कर में हो रहा है? मैं समझ सकता हूँ कि ये रकम बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि लोग अपनी इंसानियत ही भूल जाएं। पड़ोसियों के बीच में लड़ाई झगड़ा समझ में आता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन भाई भाई आपस में ऐसे लड़ने लगेंगे तो चिंता तो होगी ना साई? साई, जल्दी हमें कुछ करना होगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो शिरडी बहुत ही जल्द युद्ध के मैदान में बदल जाएगी। आप सब ऐसा करिए, कल सुबह गांव से आते हुए सारे किसानों को द्वारका माई में बुलाइए। माफ करना साई, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। आइए, आपका ही इंतजार था। क्या बात है साई, आज आपने हम सबको यहाँ बुलाया, क्या कोई खास वजह? अभी बताता हूँ। पंची तो उड़ ही नहीं पा रहे, फिर साई ने इन्हें बुलाया क्यों? ये पंछी तो जाल में फंस गए हैं। ये सारे पंछी तो आकर खुद ही जाल में फंस गए हैं। तो अलग अलग दिशा में उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सारे पंछी अपनी एकता की वजह से जाल से मुक्त होने में कामयाब हो गए हैं।
क्या आप भी कुछ कहने, कुछ समझाने की जरूरत है? देखिए इन पंछियों को, ये जानते हैं कि जाल से कैसे बचा जाए, तो हम इंसान क्यों नहीं समझते? इनके सामने एक समस्या थी, ये सब एकजुट हो गए, एक मत होकर एक फैसला किया और इन्होंने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। पर हम इंसान क्या करते हैं? अपनों की ही मदद नहीं करना चाहते, हम लड़ते हैं अपनों से, और इस उम्मीद के साथ कि अगर कुछ फायदा होना है तो केवल हमको हो, किसी और को नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि मुसीबत के समय में हमारी मदद करने वाला हमारा कोई अपना रिश्तेदार, हमारा दोस्त या हमारा पड़ोसी ही होता है। दुख तो इस बात का है कि कहीं कोई अपने पड़ोसी से लड़ रहा है तो कहीं कोई अपने भाई को मार रहा है। क्या हमारे लिए पैसा इतना जरूरी है? बोलो सुल्तान, मान लो तुम्हें पैसे मिल भी गए, उन पैसों से तुमने बड़ा घर बना भी लिया, लेकिन क्या फायदा उस पैसे का? क्या फायदा उस घर का जिसमें तुम्हारे अपनों की हंसी ही ना गूंजे? और चंदू तुम, क्या मिलेगा 1,000 रुपए जीत के तुम्हें, अगर उस जीत की खुशी में शामिल होने के लिए तुम्हारे पास दोस्त ही ना रहे? आज आप सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन बना रहे हैं आप। साई, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, माफी उन लोगों से मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया था। और माफी इसलिए मत मांगो क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं, माफी मांगनी है तो पहले बैठकर बातचीत करो, उस मुद्दे को सुलझाओ जिसकी वजह से मनमुटाव हुआ था, उसके बाद माफी मांगो। एक दूसरे को गले लगाकर अपने भविष्य की ओर देखो, यह समझने की कोशिश करो कि यह केवल एक प्रतियोगिता है, केवल एक विजेता होगा, शेष की हार होगी, एक को छोड़कर बाकी सबके सपने टूट जाएंगे। और जब आप एक दूसरे की बातों को गौर से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी जरूरतें हैं, सभी अपनी जगह पर सही हैं, सबकी अपनी वजह है। जैसे आप मुझे बताइए कि आप इस प्रतियोगिता को क्यों जीतना चाहते हैं, आप बताइए। ताकि मैं कर्जे से मुक्त हो सकूं, मेरी माँ के जो गहने गिरवी पड़े उसे मैं छुड़ा सकूं। आप बोलिए। ताकि मैं मेरे बेटे को बंबई पढ़ने के लिए भेज सकूं। तुम बताओ। मैं एक बड़ा सा घर बना सकूं। तुम बताओ सुल्तान। असलम का निकाह अच्छे से हो जाए और एक बड़ा घर बना सकूं। देखा आपने, हर एक का अपना अपना कोई ना कोई ख्वाब है, सबके अपने अपने सपने हैं और सबके सपने वाजिब हैं। पर इस प्रतियोगिता से किसी एक का ही सपना पूरा होगा। अब सोचिए, अगर आप में से हर एक का सपना पूरा हो जाए तो। साई, अभी अभी आपने कहा कि किसी एक का सपना पूरा होगा, तो फिर यह कैसे मुमकिन है? आप सबकी एकता से, जब आप सब मिलकर खेतों में काम करेंगे तो फसल भी अच्छी होगी। अच्छी फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। और जहां तक बात रही विजेता की, तो जिस किसान के खेत में प्रति बीघा ज्यादा फसल होगी वही विजेता होगा। पर पुरस्कार पर सभी शिरडी वासियों का हक होगा। इस राशि को हम शिरडी के कोष में जमा कराएंगे और शिरडी की उन्नति के लिए उपयोग में लाएंगे। यहां पर
यहाँ पर एक अच्छा विद्यालय होगा, एक अच्छा दवाखाना होगा, अच्छी सड़कें होंगी। इस धन का उपयोग हम हर उस कार्य के लिए करेंगे जिसका लाभ हर शिरडीवासी को मिले। अगर सब लोग शिरडी की उन्नति को ध्यान में रखकर मेहनत करेंगे तो बुरी घड़ी आने पर, बुरा वक्त आने पर कोई भी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होगा कि इस कोष को बनाने में उसने भी बराबर की मेहनत की है। जब हम अपने निजी हितों को छोड़कर सबके हितों के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारी निजी परेशानियां अपने आप ही सुलझ जाती हैं। तो अचानक ही हमारी चिंता करने वाले बहुत से लोग हमारे आसपास आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने साई, हमें अपनी गलती का एहसास है। तो फिर आप सब प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आप सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे। आप मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें उस किसान के पास ले जाऊंगा जहां से मैंने बीज खरीदे थे। मैं मजदूरों से कहूंगा कि वो तुम्हारे खेत में जाकर अभी से काम शुरू करे। ये ले अपने पैसे। बुरा लग रहा है तो फिर क्यों खड़े हो तुम दोनों यहां पे? मैंने बुलाया था तुम दोनों को यहां पे, झूठे मक्कार। सलीम मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी बात पूरी सुन लेनी चाहिए थी। भाईचान, मैंने जिंदगी में कभी आपसे झूठ नहीं बोला। पता नहीं आपको कैसे गलतफहमी हो गई, आखिरी बार जब मैं आपसे मिला था उसके बाद ही गंगाराम जी की पत्नी के साथ 20 कंबलों का सौदा हुआ था, तो मैं पहले आपको कैसे बताता? ये सब मेरी वजह से हुआ है। उस दिन रेहाना सुलभा को काम देने के बारे में बात कर रही थी। हाँ सुलभा, भामा को भी मैंने ही काम दिया है, वो मेरे लिए कढ़ाई का काम करती है, तुम भी कर लेना। और बायजा अक्का ने बोला कि रेहाना ने और भी बहुत सी औरतों को काम दिया है, उस वक्त मैं घर के बाहर ही थी। चिंता मत करो सुलभा, रेहाना पहले भी गांव की कई औरतों को कढ़ाई का काम दे चुकी है, और मुझे विश्वास है कि अगर तुम भी कढ़ाई का काम करोगी तो बड़े आराम से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आपका धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन आप ये बात हमसे छुपा रहे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वहीं से लौट गई। अगर आप लौटती नहीं तो रेहाना के मुंह से सुन लेती कि आजकल उसके पास काम कम है। रेहाना मुझे माफ कर दो। ये क्या आपा, आप बड़ी हैं और बड़े अपने छोटों से माफी नहीं मांगते, बस उन्हें प्यार करते हैं। शुक्रिया साई, आज आपने हमारा घर टूटने से बचा लिया, अब मैं कभी अपने भाई पर शक नहीं करूंगा। देख रहे हो ना साईं, हम सब यूं ही नहीं कहते हैं, तुम शिरडी की जान हो। शिरडी अगर शरीर है तो तुम आत्मा हो उसकी, तुम हो तो सब एकजुट हैं, वरना तुम्हारे बिना हम सब टूट कर कब के बिखर चुके होते। रहम नजर साईं, रहम नजर साईं।
माफ कर दो साई। हमें माफ कर दो साई, हम आपकी शिक्षा को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। कोई भी राह, कोई भी सफर, कोई भी राह, कोई भी सफर, उस तक पहुंचे हर एक डगर, राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर, रहम नजर साई, रहम 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 नजर, रहम नजर साई, कौवा उड़, चिड़िया उड़, बैल उड़, अब अंता जी अब बस हुआ, कब से हम यही खेल रहे हैं और बार बार मैं ही हार रहा हूँ और मेरे पास नाम भी नहीं बचे। अंता जी आपसे ज्यादा तो मैं हारा हूँ, फिर भी खेल रहा हूँ ना, क्योंकि इससे अच्छा खेल कोई नहीं। जरा सोचिए हम भागदौड़ करते हुए कैसा लगेंगे, और किसी ने हमें देख लिया तो क्या सोचेगा। चलिए चलिए खेलिए, कबूतर उड़, मुर्गा उड़, अंता बंता उड़। सरकार आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे के साथ खेल खेल कर तुम दोनों भी बच्चे ही बन गए हो। नहीं सरकार, वो केशव का मन नहीं लग रहा था तो हमने सोचा। हाँ, इसी काम के लिए तो रखा है तुम दोनों को मैंने। सच में सरकार, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, और सरकार आपने भी कभी बताया नहीं। कमीनों, तुम हो ही बच्चों का खेल खेलने योग्य। यहाँ पूरा गांव पुरस्कार जीतने की योजना बना रहा है और तुम दोनों कबूतर उड़, कौवा उड़, बैल उड़, ये उड़ वो उड़, अधे कहीं के। हरिओम हरिओम हरिओम। जाओ आजकल इन्हें भयभीत करने में बहुत आनंद आता है मुझे, लगता है दो विदूषकों को पाला है मैंने। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। अरे सुल्तान जी। हरी बाबू, देखो भाई मेरे खेतों में तो खुदाई का काम पूरा हो गया, अब बुआई का काम जो है ना वो सबसे पहले तुम्हारे खेतों से शुरू करते हैं, ठीक है। शुक्रिया हरी बाबू, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार क्यों? काम शुरू करने से पहले सलीम को बुला के लाता हूँ। अब पहले जैसी गलती नहीं करूंगा, अब कोई भी काम करने से पहले सलीम को साथ रखूंगा। बहुत अच्छी। शुक्रिया असलम,
शुक्रिया तो मुझे आपका कहना है साईं, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मेरा परिवार टूटने से बचा है और अब मैं जानता हूं कि हमारा ये परिवार हमेशा सलामत रहेगा। राम जी भला करें। अच्छा अब मैं चलता हूं। ये लीजिए। हरिओम हरिओम। आज खुश लग रहे हैं, इसीलिए जो कहूंगी उसके लिए तुरंत मान जाएंगे। अहो केशव घर में रह रहकर उब जाता है, क्या वो बाहर खेलने जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। जा। ऐसा लगता है जैसे हमारी खुशी को हमारी ही नजर लग जाती है। इतनी जल्दी और आसानी से ये साई मेरी योजना की धज्जियां उड़ा देगा, ये तो मैंने सपने भी नहीं सोचा था। कुलकर्णी सरकार, मैं मानता हूं कि अभी हमें मात मिली है, लेकिन मजदूरों सुनो, कुलकर्णी सरकार चाहते हैं कि तुम सब उनके खेतों में मजदूरी करो। भाइयों याद है ना साईं ने क्या कहा था? हम सबको मिलकर काम करना है, गांव की भलाई के लिए, उन्नति के लिए, है ना? चलिए काम करते हैं। अरे हाँ, ये तो बता नहीं भूल गए कि सरकार तुम्हें 2 गुना ज्यादा मजदूरी भी देंगे। बीवा, मोहन देखो मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, अगर तुम लोग चाहो तो 2 गुना परिश्रमिक पे कुलकर्णी सरकार के यहां काम कर सकते हो। तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? सुना, सब लोगों ने सुना, पर अब तुम भी हमारी एक बात सुन लो। हम में से कोई नहीं जाने वाला, कोई नहीं आएगा कुलकर्णी सरकार के खेत में काम करने के लिए।